नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। आज हम जिस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, ये है 19 वर्षीय द्वार केस की। हम लोगों के हमेशा मन में रहता है कि हमारे परिवार वाले इतना अमीर क्यों नहीं है। जो लोग जिनके परिवार वाले काफ़ी अमीर होते हैं, या तो वह अपने परिवार का बिजनेस संभाल लेते हैं, या अपने परिवार के पैसों पे अय्याशी, या अपने मौज मस्ती करते हैं। कहीं कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने दम पे खड़े होते हैं। ऐसी ही एक वारदात हमारे सामने आई है, जो कि गुजरात के पांड्रा के द्वारकेश की है। द्वारकेश जो कि 19 वर्षीय है, लेकिन द्वारकेश की कहानी इन सभी से बिल्कुल अलग है। इंजीनियर की पढ़ाई करने वाले द्वारकेश करीब 1 महीने पहले घर से भाग गए। इन्होंने अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ दिया था, जिससे उनको ट्रेस ना कर पाए, जिससे पुलिस भी पता ना लगा पाए कि वह द्वारकेश अभी है कहाँ पर। द्वारकेश के माता पिता अपने बेटे को खोजने का लगातार प्रयास कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने पुलिस को भी सूचित किया, लेकिन पुलिस वाले नहीं उन्हें ढूंढ पा रहे थे। पुलिस के अनुसार लड़का अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गया था। उनके पास में केवल बड़ोदरा रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज था, वह ऑटो रिक्शा जिसको द्वारकेश ने इस्तेमाल किया था, जिसने उसे वडोदरा शहर के अच्छा चौक पर उतार दिया था। द्वारकेश अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहता था, अपनी मेहनत से ही आगे वो बढ़ना चाहता था। उसके मन में उसके माता पिता से जब पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि द्वारकेश को कभी भी पैसों का कोई घमंड नहीं है, वो अपने ही दम पे आगे बढ़ना चाहता है। द्वारकेश बड़ोदरा से दिल्ली पहुंचा। नौकरी की उम्मीद व दिलचस्पी देखते हुए वह दिल्ली से शिमला पहुंच गया। अपना गुजारा करने के लिए शिमला में उसने काफ़ी नौकरी ढूंढी, लेकिन शिमला में उन्होंने एक होटल में बर्तन धोने का काम शुरू कर दिया। रात को वो सड़कों पर ही सोने लगे, जिससे कि थोड़ा बहुत पैसा बचा सके। वह लोगों के बर्तन व खाने पीने का काम भी वह शुरू करने लगे, जिससे कि उनको थोड़ी बहुत इनकम हो, जिससे कि वह अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे, खुद के दम पर ही सक्सेस होना चाहते थे। इसके अलावा उन्हें काफ़ी मेहनत की और काफ़ी गुजारा भी उन्होंने काफ़ी कठिन परिश्रम से किया। और ये हम जो द्वारकेश की कहानी बता रहे हैं, ये करोड़पति द्वारकेश की कहानी है, जिनके पिता का गुजरात में तेल का बहुत ही बड़ा व्यापार है, और उनके पास में किसी भी तरह से पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका जो बेटा द्वारकेश है, वो अपनी ही मेहनत से आगे बढ़ना चाहता था। इसके लिए उन्होंने शिमला के होटल में नौकरी की, बर्तन धोने का काम किया। वह रात के टाइम में सड़कों पे ही सोते थे। होटल मालिक को एक दिन उन पर शक हुआ, और उनसे उन्होंने पहचान पत्र की मांग की। द्वारकेश ने पहले तो मना कर दिया कि वह पहचान पत्र नहीं देना चाहते हैं, लेकिन जब उन्होंने फोर्स करने पर, जब निकालने पर उन्होंने पहचान पत्र दिया। होटल मालिक को जब पता चला कि द्वारकेश गुजरात के पाड़रा का रहने वाला है, तो उन्होंने पाड़रा पुलिस को स्टेशन को फ़ोन कर दिया, और इस घटना के बारे में उन्होंने बताया। जांच करने में पुलिस को पता चला कि वह 19 वर्षीय वही बालक है, जिसको उनको काफ़ी दिनों से तलाश थी। द्वारकेश जो कि करोड़पति अपने पिता का बेटा है। जब उन्हें पता चला कि यह शिमला के एक होटल में बर्तन मांजने का काम कर रहा है, तो पुलिस भी चौंक गई। उनको लगा कि द्वारकेश को कहीं कुछ हो तो नहीं गया है, या उनके माता पिता ने उनको कहीं कुछ कह तो नहीं दिया है। लेकिन जब उनको पता चला कि द्वारकेश शिमला के होटल में बर्तन मांजने का काम कर रहा है, जिससे वह चौंक गए, और उन्होंने शिमला पुलिस को उसके बारे में खबर दी, जिससे कि द्वारकेश पहले तो सुनते ही भाग गया, होटल से वो भाग गया। लेकिन शिमला पुलिस ने उनको वहीं पर ही पकड़ लिया, और उनको गुजरात के अपने पिता के पास में उन्हें पहुंचा दिया। यह घटना हम बात कर रहे हैं गुजरात के द्वारकेश की, जो कि 19 वर्षीय द्वारकेश है। द्वारकेश के परिवार ने बताया कि हम सभी के सामने अपनी क्षमता साबित करना चाहता है। वो अपनी मेहनत व कोशिशों के दम पर एक बड़ा आदमी बनने की हमेशा उसकी हमेशा उम्मीद रहती है। अखबार में द्वारकेश के मिलने और उसकी जीत खबर पढ़ने के बाद में उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने इस बारे में ट्वीट किया। साथ ही उन्होंने अपनी कंपनी में इंटर्नशिप करने का ऑफर भी द्वारकेश को दिया। उन्होंने इंटर्नशिप करने का ऑफर भी द्वारकेश को दिया कि आप हमारी कंपनी में इंटर्नशिप कीजिए, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हमारी कंपनी को ज्वाइन भी कर सकते हैं। उन्होंने लिखा कि इस युवा का प्रशंसक हूँ, वो अपने दम पर आगे बढ़ना चाहता है। अभी ऐसा लग रहा होगा कि
उनको सैनक में घर छोड़ दिया है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आगे चलकर वह एक सफल आत्मनिर्भर उद्योगपति हो सकता है। मैं उसे अपनी कंपनी महिंद्रा राइज में इंटर्नशिप का ऑफर देकर खुश होऊंगा। यह कहते हुए उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने उन्हें ट्वीट किया और इंटर्नशिप के लिए उन्हें बुलाया है। अब देखते हैं द्वारकेश अपनी मेहनत पे इसी तरह खड़े होते हैं या ये उनका बच्चा बना था कि 19 साल की उम्र में उन्होंने बच्चा बना किया था। लेकिन हमको जो लगता है कि गुजरात के से दिल्ली, दिल्ली से शिमला और वहाँ मेहनत करना, अपना गुजारा करना, ये कोई बच्चा बना नहीं है, ये एक जोश है, ये एक लगन है जो कि साबित करता है कि उनकी मेहनत वह चाहते जो है कि अपने दम पे ही आगे बढ़ना व अपने दम पे ही सफल आदमी बनना। देखते हैं द्वारकेश के आगे की कहानी। धन्यवाद।